हेलो फ्रेंड्स, मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम मोबाइल विद मनी क्रॉस बॉडी बैग स्टिच करेंगे, जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने क्रॉस बॉडी बैग स्टिच किया है। देखिए फ्रेंड, साइड में एक जिप से पॉकेट है, इसको हम ओपन करेंगे और इसमें देखिए अपना कुछ भी सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। और इस फ्लैप को हम देखिए ओपन करेंगे तो एक जिप से हमारी साइड पॉकेट है और इसमें देखिए फ्रेंड्स, अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। इस साइड सेल फोन है, मनी है, कुछ भी सेट करते हुए जिप से इसको यहाँ से लॉक कर दीजिए। और एक ओपन पॉकेट हमारी साइड से है, इस साइड भी अपने सामान को इसमें सेट करते हुए इस फ्लैप से देखिए इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। और ऐसे ही बैक साइड में भी एक जिप से पॉकेट है, इसको भी ओपन करेंगे और इसमें भी अपने सामान को इसमें सेट करते हुए जिप से इसको भी लॉक कर दीजिए। और सेंटर में हम देखिए इसको ओपन कर लेंगे, इसमें भी देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। इस साइड भी अपने सामान को इसमें सेट करते हुए जिप से इसको भी लॉक कर दीजिए। और इस बैग से हम देखिए इसको एडजस्ट करते हुए क्रॉस करके कैरी करेंगे। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही क्यूट लगता है देखने में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा डिज़ाइनर क्रॉस बॉडी बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स, यूट्यूब पर हमारे दूसरे चैनल को देखना ना भूलिएगा, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और उस लिंक को आप ओपन करके प्लीज़ मेरे उन वीडियोज़ को भी देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम ये डिज़ाइनर क्रॉस बॉडी बैग स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। डिज़ाइनर क्रॉस बॉडी बैग बनाने के लिए हमने 6x8 के देखिए 2 quilted पीसेस लिए हैं। इसमें हमने मेन फैब्रिक, रबर शीट और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके हमने दोनों पार्ट्स को रेडी किया है। तो हमें 6x8 के 2 quilted पीसेस लेने हैं और 2 हमें प्लेन पीसेस लेने हैं 6x8 के। ये हमने 5x7 का एक क्विल्टेड पीस लिया है और एक हमने प्लेन पीस लिया है 5x7 का। 6x6 का ये हमें एक क्विल्टेड पीस लेना है और एक हमें प्लेन पीस लेना है 6x6 का। 2.5x18 का ये हमने एक क्विल्टेड पीस लिया है और ये हमने 1x10 का देखिए 2 quilted पीसेस लिया है। 1x10 के हमें 2 quilted पीसेस लेने हैं। ये हमने 2.5 इंच की देखिए 2 बेल्ट ली है, 2 हमें बेल्ट लेनी है 2.5 इंच की। और ये हमने 55 इंच की एक बेल्ट ली है। ये हमें 5 इंच की एक जिप लेनी है और इसमें हमें सिंगल रनर लेना है। और ये हमने 6 इंच की 2 जिप ली है और दोनों में हमें सिंगल रनर लेना है। और ये हमने 10 इंच की एक जिप ली है और इसमें हमें डबल रनर लेना है। 2 हमें देखिए डी रिंग्स लेने हैं और 1 हमें ये एडजस्टर लेना है। और 1.5 इंच का ये हमें एक वेलक्रो लेना है। सबसे पहले हम 5x7 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और प्लेन पीस लेंगे। और क्विल्टेड पीस में ये 7 का साइड है और ये 5 का साइड है, तो 7 की साइड में हम इस साइड से 2 इंच पे डाउन करेंगे। 2 इंच पे डाउन करते हुए साइड हम देखिए सीधे मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए मार्क कर लिया है और अब हम मार्क वाली लाइन पे क्विल्टेड पीस को कट कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे कट कर लिया है और अब ये हम 5 इंच की जिप लेंगे और इसको हम क्विल्टेड पीस के ऊपर ऐसे रखेंगे, सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस क्विल्टेड पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस में हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया है और अब हम देखिए इस साइड से यहाँ पर 1 इंच पे देखिए मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड से भी हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब देखिए मार्क वाले पॉइंट को हम इस कॉर्नर से, जो हमने दाब सिलाई दी है इस साइड, इस मार्क वाली लाइन को हम इस कॉर्नर से ऐसे मिलाते हुए ऐसे हम देखिए मार्क कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी मार्क वाले पॉइंट को हम इस साइड से ऐसे सेट करते हुए ऐसे हम मार्क कर लेंगे। और अब हम मार्क वाली लाइन पे स्टिच करेंगे, इसके बाद दोनों साइड से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। क्विल्टेड पीस को हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे ऐसे शेप में कट कर लिया है और अब हम ये प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे 6 की साइड में फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। प्लेन पीस में हमने सेंटर का मार्क कर लिया है और सेंटर के मार्क से हम 1 इंच पे डाउन करेंगे। ये हमने 1 इंच पे डाउन किया और ये सेंटर का मार्क है और ये हम वेलक्रो लेंगे। इसमें से हम एक पार्ट को देखिए ओपन कर लेंगे
और इस वेलको को हम देखिए ऐसे फोल्ड करके इसमें भी हम सेंटर का मार्क कर लेंगे चौक से, और वेलको को हम देखिए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए वन इंच पे डाउन करते हुए हम ऐसे सेट करेंगे और स्क्वायर शेप में स्टिच करके वेलको को हम इसमें अटैच कर लेंगे। प्लेन पीस पे हमने देखिए वेलको को अटैच कर दिया है, और अब हम ये क्विल्टेड पीस लेंगे और इसको हम इस साइड में ऐसे फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। क्विल्टेड पीस पे हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है, और जिप को हम देखिए ओपन करके इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल दिया है, और अब ये हम प्लेन पीस इसके बैक साइड में सेट करेंगे। देखिए प्लेन पीस का राइट साइड जो है वो अपर की साइड में होगा, जिस साइड हमने वेलको अटैच किया है उस साइड हम दोनों सेंटर के मार्क को देखिए ऐसे मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में सेट कर दिया है, और अब देखिए हम राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस पे अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके क्विल्टेड पीस पे अटैच कर दिया है, और दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है प्लेन पीस का इसको हम देखिए ऐसे शेप में कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए दोनों साइड से कट कर लिया है, और अब हम ये पाइपिंग लेंगे। ये हमने 1.5 इंच की स्ट्रेट पाइपिंग ली है, और इस पाइपिंग को हम देखिए इसकी बैक साइड में देखिए ऐसे सेट करेंगे और यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, और ऐसे हम राउंड में यहाँ तक स्टिच करके पाइपिंग को हम क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे, और जो स्टिच लाइन है इसको हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। क्विल्टेड पीस पे मैंने देखिए स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है, और ये हमारी देखिए जिप से एक पॉकेट बनके रेडी हो गई है। इसको हम देखिए लॉक कर देंगे। 6x8 का ये क्विल्टेड पीस लेना है, ये 6 का साइड है और ये 8 का साइड है, तो हम 8 की साइड में यहाँ पर हम 1.5 इंच में डाउन करेंगे। डाउन करते हुए हम सीधे मार्क कर लेंगे साइड से, ये हमने देखिए मार्क कर लिया 1.5 इंच पे, और अब हम इसको भी मार्क वाली लाइन पे कट कर लेंगे, और ये हम 6 इंच की जिप लेंगे। इस जिप को हम क्विल्टेड पीस में देखिए ऐसे रखेंगे, सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे, और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे, और जिप की दूसरी साइड में इस क्विल्टेड पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। जिप में हमने देखिए दोनों साइड से क्विल्टेड पीस को अटैच कर दिया है, और अब देखिए फ्रेंड्स इस साइड से हम क्विल्टेड पीस को मेजर करेंगे। ये हमें 6x8 का क्विल्टेड पीस रेडी करना है, तो ये जो हमने जिप अटैच की है इसके कारण क्विल्टेड पीस का पार्ट थोड़ा सा बढ़ गया है। इसको हम देखिए 8 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे हम देखिए मार्क करेंगे, और मार्क वाली लाइन पे स्टिच करके एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए साइड से कट कर लिया है, और अब देखिए हम 6x6 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और प्लेन पीस लेंगे, और ये प्लेन पीस का देखिए राइट साइड है, क्विल्टेड पीस का राइट साइड, दोनों एक साइड में ऐसे सेट करते हुए प्लेन पीस को हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड हमने देखिए स्टिच करके प्लेन पीस को क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है, और अब हम प्लेन पीस को बैक साइड में करेंगे। इसको हम देखिए ऐसे सेट कर लेंगे, और इस साइड दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। क्विल्टेड पीस में देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है, और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो क्विल्टेड पीस है इसे हम देखिए 5.5 इंच पे डाउन करेंगे। देखिए ऐसे डाउन करते हुए हम यहाँ पर सीधे मार्क कर लेंगे, और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो प्लेन पीस है इसको हम देखिए ऐसे हटाते हुए सीधे स्टिच करके ये जो क्विल्टेड पीस का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए स्टिच करके कट कर लिया है, और अब हम ये जो क्विल्टेड पीस है इस वाले पार्ट के ऊपर हम इस वाले पार्ट को देखिए बॉटम से सेट करेंगे। ये जो प्लेन पीस का एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी हम कट कर लेंगे, और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो क्विल्टेड पीस है इसको हम इस वाले पार्ट के ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए बॉटम से हम इसको ऐसे सेट करेंगे इसमें, और पिन अप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए सेट कर दिया दोनों पार्ट्स को, और अब हम देखिए इस साइड से इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। ये हमने सेंटर का कट लगा लिया है, और अब ये हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसको अभी हमने स्टिच किया था, और इसको हम इस साइड से ऐसे फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। इसमें भी हमने सेंटर का मार्क कर लिया है, और दोनों सेंटर के मार्क को देखिए ऐसे मिलाते हुए हम यहाँ पर पिनअप करेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने वेलको अटैच किया है इसका दूसरा पार्ट हमें इसमें अटैच करना है, तो ये जो दूसरा वेलको है इसको हम इसमें देखिए ऐसे सेट करेंगे,
और ये जो पार्ट है इसको हम इसके ऊपर ऐसे सेट करते हुए वेलक्रो के इस पार्ट को देखिए ऐसे ओपन कर लेंगे और प्लेट पीस को देखिए ऐसे हटाते हुए कुल्टेड पीस में हम पहले वेलक्रो को ऐसे हम पिनअप कर लेंगे। और अब हम ये कुल्टेड पीस देखिए ओपन कर लेंगे और ये जो प्लेन पीस है इसको हम देखिए हटाते हुए स्क्वायर शेप पे स्टिच करके वेलक्रो को हम इसमें अटैच कर देंगे। वेलक्रो को हमने देखिए अटैच कर दिया कुल्टेड पीस में और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे। देखिए इस जिप में हमने इस साइड से रनर डाला है तो हम रनर की डायरेक्शन को देखते हुए इस वाले जिप में हम रनर डालेंगे। तो ये हम रनर लेंगे और जिप को ओपन करते हुए इस पे भी हम रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब हम इसको ऐसे बाउंड करेंगे और इसके ऊपर हम ये कुल्टेड पीस देखिए बॉटम से सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए दोनों पार्ट्स को सेट कर दिया है और इसको हम देखिए ऐसे डाउन करेंगे और ये हम 6x8 का प्लेन पीस लेंगे। प्लेन पीस को हम देखिए ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम कुल्टेड पीस के पार्ट को ऐसे सेट करते हुए हम राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस के साथ में हम कुल्टेड पीस को इस वाले पार्ट को इसमें अटैच कर देंगे और इस फ्लैप को भी हम कुल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस के साथ में दोनों कुल्टेड पीस को भी देखिए अटैच कर दिया है। और अब देखिए प्लेन पीस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए कट कर लिया है और इसको हम देखिए ओपन करेंगे और पिन को भी ओपन कर लेंगे। और इस साइड देखिए हमारी एक ओपन पॉकेट, एक ये जिप से पॉकेट और एक हमारी फ्लैप में जिप से पॉकेट बनने के लिए हो गई है। इसको हम इस साइड से वेलक्रो से लॉक कर देंगे। ये पार्ट देखिए फ्रंट साइड वाला हमारा रेडी हो गया है। और अब हमें 6x8 का ये हम दूसरा कुल्टेड पीस लेंगे और 6 इंच की दूसरी जिप लेंगे और इस कुल्टेड पीस में हम देखिए इस साइड से 2 इंच पे डाउन करेंगे। 2 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड हम देखिए ऐसे मार्क कर लेंगे और कुल्टेड पीस को हम देखिए मार्क वाली लाइन पे कट कर लेंगे। और इस कुल्टेड पीस में भी हम इस जिप को देखिए ऐसे रखेंगे, सीधे स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस कुल्टेड पीस को हम इसमें भी अटैच कर देंगे। इस कुल्टेड पीस में भी हमने जिप को अटैच कर दिया है। और अब देखिए कुल्टेड पीस को हम मेजर करेंगे और इसको भी हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे। तो 8 इंच पे देखिए डाउन करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी हम स्टिच करके कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने देखिए साइड से कट कर लिया है। 6x8 का ये दूसरा प्लेन पीस लेंगे और ये हम रनर लेंगे। पहले हम जिप को ओपन करके इसमें हम रनर डालेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए प्लेन पीस के ऊपर हम कुल्टेड पीस को ऐसे सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को हम कुल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए प्लेन पीस को कुल्टेड पीस में अटैच कर दिया है और जिप से एक पॉकेट हमारी साइड भी इसमें स्टिच हो गई है। और अब देखिए हम 1x10 का ये दोनों कुल्टेड पीसेस लेंगे और ये हम 10 इंच की जिप लेंगे और इस जिप को भी हमें कुल्टेड पीस में अटैच करना है। देखिए कुल्टेड पीस का राइट साइड और जिप का राइट साइड दोनों एक साइड में ऐसे सेट करते हुए हम सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाग सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में इस कुल्टेड पीस को हम इसमें अटैच कर देंगे। दोनों कुल्टेड पीस में हमने जिप को अटैच कर दिया है और अब देखिए ये हम रनर लेंगे और दोनों साइड से इसमें हम डबल रनर डाल लेंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए ये हम 2.5 इंच की बेल्ट लेंगे और ये हम डी रिंग्स लेंगे और इसमें हम बेल्ट को देखिए ऐसे सेट करेंगे और ये जो जिप अटैच की है जिप के ऊपर हम बेल्ट को देखिए ऐसे डी रिंग के साथ में सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे और ऐसी दूसरी डी रिंग में हम बेल्ट को सेट करते हुए यहाँ पर स्टिच करके अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए डी रिंग के साथ में बेल्ट को अटैच कर दिया कुल्टेड पीस में। और अब देखिए ये हम 2.5x18 का कुल्टेड पीस लेंगे और ये जो जिप वाला पार्ट है इसको हम इसके ऊपर देखिए ऐसे सेट करेंगे और ये हम पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग को हम देखिए जिप वाले पार्ट के ऊपर ऐसे सेट करते हुए हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। दोनों कुल्टेड पीस को हमने देखिए पाइपिंग के साथ में अटैच कर दिया है और अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे और ये जो पाइपिंग है पाइपिंग को इस साइड हम देखिए ऐसे डबल फोल्ड करते हुए ऐसे हम सेट करेंगे और स्टिच करके इस साइड से हम लॉक कर देंगे। पाइपिंग को हमने देखिए डबल फोल्ड करके स्टिच करके लॉक कर दिया है और अब हम जैसे हमने इस साइड अटैच किया है पाइपिंग के साथ में जिप वाले पार्ट को वैसे इसकी दूसरी साइड में भी देखिए इसको ऐसे सेट करेंगे और इसके ऊपर भी हम
ये पाइपिंग ऐसे सेट करते हुए सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे। इसके बाद डबल फोल्ड करते हुए ऐसे हम इस साइड से स्टिच करके लॉक कर देंगे। इस साइड भी हमने देखिए पाइपिंग के साथ में दोनों पार्ट्स को अटैच कर दिया है। और अब हम दोनों स्टिच लाइन को देखिए ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। पिन से हमने देखिए इस साइड सेट कर दिया है और ऐसे इस साइड भी दोनों स्टिच लाइन को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। और अब देखिए दोनों पार्ट्स को हम ऐसे सेट करते हुए दोनों साइड से इस साइड और इस साइड दोनों साइड से हम इसमें सेंटर का मार्क कर लेंगे। क्रोटेड पीस पे हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है। और अब देखिए हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसको हमने स्टिच किया था। तो इसमें हम देखिए इस साइड से यहाँ से देखिए ऐसे फोल्ड करके इसमें भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। और अब हम जिप वाले पार्ट को इसमें अटैच करेंगे। देखिए इसमें हमने इस साइड सेंटर का मार्क किया था तो दोनों मार्क को ऐसे ही मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। और ऐसे इस साइड भी ये जो कट है दोनों कट्स को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। जिप वाले पार्ट को हम देखिए सेट करते हुए ऐसे हम राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। जिप वाले पार्ट को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है। जैसे हमने इस साइड इस पार्ट को अटैच किया है वैसे ही जिप वाले पार्ट की दूसरी साइड में हम दूसरे क्रोटेड पीस को अटैच करेंगे। इसमें हमने देखिए इस साइड से और इस साइड से फोल्ड करते हुए सेंटर का कट लगा लिया है। और जिस साइड हमने देखिए जिप अटैच की है उस साइड ये जिप वाला पार्ट होगा। दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे सेट करते हुए और सेंटर के मार्क से मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। और ऐसे इस साइड भी दोनों कट्स को मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे। और इस क्रोटेड पीस को भी हम देखिए सेट करते हुए राउंड में स्टिच करके अटैच करेंगे और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर देंगे। इस साइड पे हमने देखिए राउंड में स्टिच करके इस क्रोटेड पीस को अटैच कर दिया है और स्टिच लाइन को देखिए पाइपिंग से कवर कर दिया है। दोनों साइड से दोनों पार्ट देखिए नीटली अटैच हो गए हैं जिप वाले पार्ट पे। और अब हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। क्रोटेड पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर दिया है। और अब हम देखिए जिप को लॉक कर देंगे। और ये हम 55 इंच की बेल्ट लेंगे और ये हम एडजस्टर लेंगे। एडजस्टर में हम देखिए बेल्ट को ऐसे सेट करेंगे और इस साइड हम बेल्ट को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बेल्ट को स्टिच करके इस साइड से हम बेल्ट को लॉक कर देंगे। बेल्ट को हमने देखिए डबल स्टिच करके इस साइड से लॉक कर दिया है। और अब हम इसका दूसरा साइड वाला पार्ट देखिए ऐसे लेंगे और ये जो डी रिंग अटैच किया है इसमें हम देखिए इस साइड से ऐसे हम बेल्ट को डालेंगे। और एडजस्टर में हम देखिए इस बेल्ट को ऐसे सेट करेंगे इस साइड से और दूसरी साइड से बाहर में निकालते हुए एडजस्टर में हम देखिए बेल्ट को ऐसे सेट कर लेंगे। बेल्ट देखिए एडजस्टर में सेट हो गई है। और अब हम इसके दूसरे साइड वाले पार्ट को दूसरी डी रिंग में देखिए ऐसे सेट करेंगे और इस साइड भी फोल्ड करते हुए हम बेल्ट को ऐसे यहाँ पर सेट करेंगे और डबल स्टिच करके इस साइड से भी बेल्ट को लॉक कर देंगे। इस साइड से भी हमने देखिए बेल्ट को लॉक कर दिया है। और अब हमारा ये क्रॉस बॉडी बेल्ट बन के रेडी हो गया है। देखिए फ्रंट साइड में जिप से हमारी ये पॉकेट है, इसको देखिए सेल फोन है मनी है कुछ भी सेट करते हुए जिप से लॉक कर दीजिए। और इस साइड देखिए एक ओपन पॉकेट है और एक जिप से साइड पॉकेट है, इसको हम देखिए ऐसे यहाँ से बेल्टों से लॉक कर देंगे। और बैक साइड में भी एक हमारी जिप से पॉकेट है। और सेंटर में हम देखिए जिप को ओपन करेंगे और इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है। इस साइड भी अपने सामान को इसमें सेट करते हुए जिप को लॉक कर दीजिए। और इस बेल्ट को हम देखिए एडजस्ट करते हुए क्रॉस करके कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बैग बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही क्यूट लगता है देखने में। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा मोबाइल विद मनी क्रॉस बॉडी बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।